शेयर कुछ इसी टाइप से फ़ोटो आप लोग फ़ोन से भी क्लिक कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वाली फ़ोटो को मैं शेयर कर दूँगा पिक्सार्ट मोबाइल के अंदर। तो जो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले साइज टिक करूँगा, तो टूल्स पर क्लिक करना, रिसाइज पर चले जाना। यहाँ पर आप लोग रिसाइज मैक्सिमम साइज आप लोग ठीक ठाक कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी लिख देना है यहाँ पर, मैक्सिमम साइज कितना लेगा यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर 2803, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2803। तो ये करने के बाद डन पर क्लिक एंड रिसाइज पर क्लिक। अब यहाँ पर डो टूल के अंदर हमें कम करना है, तो डो टूल के अंदर चले ना सिंपली। सो डो टूल के अंदर आने के बाद सबसे पहले टी शर्ट कलर करूँगा, तो लेयर पर क्लिक करना एंड फर्स्ट एक लेयर बन जाएगा। तो इसी लेयर को ब्लेंडिंग मोड हमें चेंज कर देना है यहाँ पर क्लिक करके, एंड इसको ओवर लेयर कर देना है, ठीक है। देन इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को कलर सिलेक्ट कर लेना है, कलर पर क्लिक करो। देखो यहाँ पर कलर सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर कुछ भी कलर ऐड कर सकते हो, तो मैं ब्लू कलर डालूंगा टी शर्ट के अंदर। फिर यहाँ पर ब्रश सिलेक्ट करना, साइज आपका मुताबिक, ओपेसिटी फुल एंड हार्डनेस लगभग 80 के आसपास या 70 रख देना, ठीक है। फिर क्या करना है, जूम कर लेना है एंड ऐसे आप लोग पेंट कर देना टी शर्ट के अंदर, ठीक है। एंड कलर हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, एंड आप लोग धीरे धीरे करना, टाइम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर लेता हूँ साइज बढ़ा के, तो आप लोग देखते रहो, नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ ये करने के बाद। तो टी शर्ट के अंदर कलर ऐड करने के बाद इसका ओपेसिटी आपका मुताबिक करके रख लेना, मैं 84 रखा हूँ। फिर इसके बाद आप लोग कलर सेलेक्ट करना, रेड कलर सेलेक्ट करना, जो हेयर में देना चाहते हो जो कलर सेलेक्ट कर लेना। फिर ब्रश पर क्लिक करना, साइज का आप लोग हिसाब से रखना एंड ओपेसिटी आप लोग कम कर लेना, हार्डनेस बिल्कुल कम मतलब 7 या 8 रख देना है, एंड ओपेसिटी आपका मतलब 10 या 15 रख देना, ठीक है। फिर क्या करना, कुछ इसी तरीके से पेंट करना हेयर के ऊपर हल्का हल्का करके, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का करके कर लेना है। सो हेयर को कलर करने के बाद नीचे से हल्का सा ब्लैक टाइप करना है, तो सिंपली कलर पर क्लिक करना एंड ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना। देन ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद ब्रश पर क्लिक करना, ब्रश आपका मुताबिक करके रखना, ओपेसिटी हल्का सा कम करके रखना और हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है। और साइज आपका मुताबिक जो आपका मर्जी वो रख सकते हो, जो कंफर्टेबल लगेगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग चलाना जहाँ पर डार्कनेस चाहिए, तो थोड़ा सा ऊपर से तो कलर कर लिया हूँ, फिर नीचे से हमें डार्कनेस चाहिए, तो डार्कनेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ओवर लेयर चेंज करके रखूँ, तो उसके लिए मैं एक प्लास्टिक नंबर क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर बनाता हूँ, एंड एम्प्टी लेयर बनाने के बाद मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करके इसके ऊपर ब्लैक कर देता हूँ अच्छे तरीके से, तो ये सही रहेगा गाइस। उसके बाद गाइस देखो बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छे डार्कनेस आ चुकी है, एंड हेयर भी बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुकी है। फिर क्या करूँगा, थ्री डॉट पर क्लिक करके मर्ज कर लूँगा मॉडल के साथ, एंड इसी लेयर को भी मर्ज कर लूँगा थ्री डॉट में क्लिक करके, ठीक है। अब करना क्या है, प्लस एक नंबर क्लिक करना, एक एम्प्टी लेयर बनाना हमें, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग कलर सेलेक्ट कर लेना, कलर में जाके व्हाइट कलर सेलेक्ट करना गाइस, ठीक है। फेस को हमें व्हाइट करना है, तो व्हाइट कलर सेलेक्ट करना। उसके बाद ब्रश में क्लिक करना, ओपेसिटी फुल रख देना है साइज आपका मुताबिक, एंड हार्डनेस रख देना है 60, 70 या 80 जो आपका मुताबिक करके रख लेना है, एंड यहाँ पर जूमिलिटी को राइट करके रखना, एंड यहाँ पर साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। फिर यहाँ पर जूम करता हूँ चेहरे के ऊपर, मतलब सिर्फ फेस के ऊपर से अच्छे तरीके से यहाँ पर पेंट कर दूंगा, ठीक है। फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोगों को फेस को व्हाइट करना है, ठीक है। तो ये मैं जल्दी से करूंगा, और आप लोग टाइम देकर करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब लगभग 10 मिनट या 5 मिनट लगेगा, यहाँ तक आप लोग कर लेना अच्छे तरीके से एंड ध्यान से करना गाइस, ठीक है। तो चलो स्पीड कर देता हूँ वीडियो को। सर पेंट करने के बाद देख सकते हो किस तरीके से पेंट किया हूँ, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा आंखों का छोड़ के। तो थोड़ा सा यहाँ पर ओपेसिटी आप लोगों को रख देना है 30 या 40 के आसपास, यहाँ पर ओपेसिटी ज़्यादा नहीं रखना है ताकि फेक लगेगा, तो 40 के आसपास रख देना है। फिर यहाँ पर मैं ब्रश सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर थोड़ा सा ओपेसिटी कम करके, हार्डनेस कम करके, थोड़ा सा आँखों थोड़ा सा डार्कनेस लग रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा व्हाइट कर दूँगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सो यार ये करने के बाद प्लस एक नंबर क्लिक करना, एक एम्प्टी लेयर बनाना और रेड कलर सेलेक्ट करना कलर्स में जाके। देन यहाँ पर मैं जूम करूँगा, लिप्स को थोड़ा सा कलर कर दूँगा, और यहाँ पर ओपेसिटी कम करके रखा हूँ गाइस, इसलिए यहाँ पर ड्रॉ कम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से बना लूँगा लिप्स को। उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी हल्का सा कम कर लूँगा एडजस्ट करके जितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद उसी लेयर को नीचे ले आना है, एंड इसको थ्री डॉट में क्लिक करके मॉडल के साथ मर्ज, एंड ऊपर का जो लेयर है मतलब फेस को हाइड किया था उसी लेयर को भी थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ा दूंगा, मतलब 41 या 40 रख दूंगा,
तो ये रेड करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना, इसे भी मर्ज कर लेना मॉडल के साथ। सो मर्ज करने के बाद प्लास्टिक के ऊपर क्लिक करना, एक एम्प्टी लेयर बनाना और कलर्स में क्लिक करना। यहाँ पर कार्ड लगाना मुझे, तो कार्ड कैसे लगाना ध्यान से देखना है, ठीक है। कलर्स में क्लिक करने के बाद ये टूल मिल जाएगा, टूल को सिलेक्ट करना, जहाँ से कार्ड लगाना वहाँ पर छोड़ देना, तो कलर सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ब्रश सेलेक्ट करना और ब्रश का साइज ठीक ठाक करके यहाँ पर कार्ड लगाना है जहाँ से कार्ड लगा रहे हो, ठीक है। कुछ इसी तरीके से जितना कार्ड लगाना चाहते हो कार्ड लगा देना। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इरेजर सेलेक्ट करना, जैसे सेटिंग रखा था ब्रश में वैसे ही आप लोग इरेजर भी सेटिंग रख देना है। और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है, मतलब थोड़ा सा शेप बनाना मुझे, ठीक है, ताकि रियलिस्टिक लगे, तो एक्स्ट्रा पार्ट को मैं इरेज कर लूँगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। एक बार अच्छे तरीके से कार्ड लगाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ थ्री डॉट पर क्लिक करना, इसको कॉपी कर लेना, फिर थ्री डॉट पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करके नीचे लगा देना, ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को लगाना है। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट करके लगा देता हूँ। उसके बाद आप लोग एरिस करना चाहते हो तो एरिस भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा पार्ट, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट हो गया तो, और सामने जो फर्स्ट कट किया था उसको मोटा लग रहा है, इसको पतला करना है, तो आप लोग एरिस कर सकते हो इसको भी, ठीक है। फिर इसको ये करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना, इसको भी कॉपी कर लेना गाइस। कॉपी करने के बाद सबसे पहले मर्ज कर लूँगा एक लेयर को, फिर ऊपर का जो लेयर है उसी लेयर को थ्री डॉट पर क्लिक करूंगा एंड ट्रांसफॉर्म करूंगा इसको भी, एंड ट्रांसफॉर्म करके नीचे लगा दूंगा अच्छे तरीके से। एंड एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है भाई एडिस कर लेना, सिंपली सेम प्रोसेस, ठीक है। सो ये करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करूंगा एंड इसको भी मर्ज कर लूंगा इसी लेयर के साथ, एंड प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा, एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा एंड सेम प्रोसेस में यहाँ पर एक थोड़ा सा कार्ड लगाऊंगा पीछे में। कार्ड लगाने के बाद इसको भी थ्री डॉट पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करूंगा और इसे भी कॉपी करने के बाद गाइस इसको भी बड़ा करके लगा दूंगा, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। जितना स्टाइलिश लगाओगी एंड करोगी उतना स्टाइलिश लगेगा गाइस, ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को करना है। सो ये करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना एंड मर्ज कर देना, फिर प्लाजर में क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर बनाना। सेम प्रोसेस में आप लोग कलर सेलेक्ट कर लेना और उसी टूल को यूज़ करके आप लोग कलर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर ब्रश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पेंट कर देना ब्रेड के ऊपर और यहाँ पर अच्छे तरीके से एडिस कर लेना जितना आप लोग ब्रेड के ऊपर लगाना चाहते हो कट। फिर यहाँ पर कॉपी करना उसको, फिर कॉपी करना, मतलब तीन बार या चार बार लगाना चाहते हो तो यहाँ पर कॉपी करके एडजस्ट करके लगा देना। फिर यहाँ पर शेप बनाना चाहते हो तो उसी मतलब लेयर को कॉपी करके आप लोग यहाँ पर शेप बना सकते हो कुछ इसी टाइप से, मैं जैसे आप लोग को दिखा रहा हूँ। मतलब गाइस जितना स्टाइलिश रखोगी उतनी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। सो यार ये सब करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करूंगा एंड एक एक करके मर्ज कर लूंगा। थ्री डॉट में क्लिक करके सभी लेयर को मर्ज करने के बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और ऐड फोटो से टैटू का पीएनजी सिंपली ऐड कर लूंगा। सो यार ऐड करने के बाद यहाँ पर राइट पर क्लिक, फिर इसको यहाँ पर एडो पर क्लिक करूंगा नीचे से एंड इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूंगा डार्कनेस। फिर क्या करूंगा, थ्री डॉट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करूंगा एंड एडजस्ट करके यहाँ पर लगा दूंगा एंड इसका जो ओपेसिटी है हल्का सा कम कर लूंगा ताकि रियलिस्टिक लगेगा। फिर थ्री डॉट में क्लिक करके मर्ज कर लूंगा। सो इसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके इस वाली फोटो को सेव कर लूंगा गैलरी में।